इस मॉड्यूल में हम फाइलम एनिलिडा की फर्दर फ़ाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन को डिस्कस करेंगे अब तक जितने भी हम इनवर्टिप्रेट के फाइलम पढ़ते आ रहे हैं इनमें इम्पॉर्टेंट एक क्लू ये है कि हर फाइलम का दूसरे फाइलम के साथ लिंक है और जो कि इसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को डिस्क्राइब करता है इसी को हम उसकी फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन कह देते हैं जहाँ तक फाइलम एनीलीडे का ताल्लुक है तो इसमें जो जोलॉजिस्ट ट्रेडिशनल इंटरप्रटेशन देते हैं वो यही है कि दे माइट हैव बिन डिराइव फ्राम अन्सेस्ट्रल पोलीड्स और पॉलिकड्स जो है जो कि अन्सेस्ट्रल थे उनसे बाद में जो है एक प्रोसेस जिसको हम अडेप्टि रेडिएशन कहते हैं उसके थ्रू इसके बाकी मुख्तलिफ़ क्लासेस जो हैं वो इवॉल्व हुई होंगी इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अडेप्टिव रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इसकी फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन्स को हम डिस्क्राइब करते हैं अब ये कि ये लीचिस जो हैं ये मेरीन फ़ाइलम एनीिलीड के एनिमल्स जो हैं फ्रेश वाटर इन्वेजन है अब इसी तरह से जब ये साल्ट वाटर में थे फ्रेश वाटर में आए तो फ्रेश वाटर के अंदर जब ये एनिमल्स इन्वेड हुए तो उनमें ये एक एबिलिटी भी आई कि ये अपनी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर कंटेंट्स जो बॉडी फ्लूड्स के हैं उसको रेगुलेट कर सके अब ओलीगो जो हैं दे आर सेट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस ग्रुप और सम ऑफ दी ओलीगो जो हैं दे आर बिलीव टू हैव गिवन राइज टू क्लास हिरोडिनिया कि पहले ओलिगो बने होंगे और उससे बाद में एवोल्यूशन के थ्रू हिरोडिनिया का प्रोसेस हिरोडिनिया की क्लास मर्ज़ वजूद में आई होगी अब इसके बाद जो आज कल रिसेंट अनिस का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं क्लस्टर एनालिसिस अब रिसेंटली क्लस्टर एनालिस हमें क्या बताता है कि फाइलम एनीलीड जो है दैट कास्ट आर शेडो ऑन दिस ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन अब ये स्टडीज़ हमें ये भी बताते हैं कि फाइलम एनीलिड्स जो हैं ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप नहीं है और इसके अंदर पॉलीकीट्स जो हैं दे माइट हैव बीन अराइज थ्रू मेटामेरिक एंसेस्टर इंडिपेंडेंटली ऑफ ओलीगोकिड्स एंड द लीचिस अब ये ओलीगोकिड्स और लीच जो हैं इनको एक सिंगल क्लैड से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक आपस में शेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लाइटिला अब इसमें एक और फिनमिना ये है कि ओलीगोकिड्स जो हैं दे आर यूनिक बाई दे आर यूनिक दे आर हैविंग नो सिन एपोमोरफिज के इनके अंदर कोई भी डिराइव्ड करैक्टरिस्टिक्स नहीं है बल्कि इनके अपने करैक्टरिस्टिक्स ओलीगो किड्स में मौजूद हैं इसके अलावा इन स्टड द ओलीगोकिड्स जो हैं दे आर डिफाइंड बाय द एब्सेंस ऑफ लीच लाइक करैक्टरिस्टिक्स अब ये फैक्ट्स जो है ये किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं ये फैक्ट इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि ओलीगो और लीचिज दे आर यूजुअली कंबाइंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ग्लाइटिला अब अगर ये कंक्लूजन्स हम ये बिलीव कर ले कि ये कंक्लूजन्स ट्रू है तो फिर पॉलीकीटा क्लाइटिला आर्थ्रोपीडा और पोगोनोफोरा दे ऑल हैड देयर ओरिजन इन एनसेस्ट्रल मेटामॉर्फिक स्पीशीज और इसीलिए लिए फाइलम का नाम जो है एनिलिडा दैट शुड बी एबेंडनड अब अगर इसको अन, इसकी अनसर्टिनिटी हो या जो हमने प्रीवियसली बातें की हैं अगर हम ये बिलीव करें कि ये अनसर्टन है तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि की सिस्टमेटिक्स दे हैव द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेरीन एनिलिड ग्रुप और वो एक सेपरेट ग्रुप का नाम हम दे देंगे आर की एनीलिड इसी तरह से लोबैटो सेरिब्रम ये भी एनिलिड्स का एक ग्रुप है ये एनिलिड्स के अंदर सिलोम नहीं होता सीटेप मौजूद नहीं है और चंद एक सिर्फ एनिलिड्स के करेक्ट्रिस्टिक्स हम इस ग्रुप के अंदर देख सकते अब ये ग्रुप जो है दिस इज़ नॉर्मली वेरी पुअरली नोन कि ये इतना ज़्यादा कॉमन ग्रुप नहीं है और इसका हम दूसरे एनिलिड्स के ग्रुप के साथ कोई भी टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कुछ इसमें से एनिलिड के वर्म्स जो हैं ये अंसेस्ट्रल फॉर्म्स के साथ रिजेंबलेंस शो करते हैं एंड अदर्स आर फ्रॉम द दोली पोलिकट लीनिएज वेन मोर वर्क अब जोलोजिस्ट जो हैं टेक्सोनिस्ट जो हैं जब इन ग्रुप्स के ऊपर और ज़्यादा काम करते हैं तो इसकी एवोल्यूशनरी पिक्चर जो है दैट इज डिफरेंट फ्राम द करेंट आइडियाज़ अब ये ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन जो है एनीलिड की स्टिल अभी तक एक्ट है मजीद जो है टेक्सोनिस्ट दे आर कैरिंग आउट देयर रिसर्च टू शो दायलोजनेटिक कंसिड्रेश of different groups of phylum annelida